नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम स्क्रीन लेआउट ऑफ एमएस वर्ड इस टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हो या फिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर जब आपके जो है एमएस वर्ड से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न कहाँ से बनते हैं, इस स्क्रीन से। ठीक है, सिर्फ एमएस वर्ड को जब आप ओपन करते हो तो इस स्क्रीन पर कहाँ से कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वो सभी प्रश्न आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। यहाँ पे जो है हम जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर जो कॉर्नर में आपको जो ये बटन दिख रहा है, ये वाला जो बटन है जिस पर कर्सर जाते ही जो इसका कलर चेंज हो रहा है, इसे हम ऑफिस बटन कहते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर सेव प्रिंट इस तरह के ऑप्शन आपके ओपन होंगे, जिसमें आप नई फाइल बना सकते हो, पहले से बनी फाइलों को ओपन कर सकते हो, उनको सेव कर सकते हो। और जब भी आप किसी ऑप्शन पर अपना कर्सर लेकर के जाओगे तो उसकी शॉर्टकट की भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S है, सेव एज, ठीक है, जब आप सेव एज पर जाते हो तो इसकी शॉर्टकट की होती है F12, यानी कि फंक्शन 12 जो की है। इसके साथ ही एमएस वर्ड के अंदर जब आप कोई फाइल तैयार करते हो तो उसे वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में, टेम्पलेट के रूप में, PDF के रूप में या फिर किसी अन्य फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, अपनी फाइल को PDF के रूप में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो PDF के रूप में सेव कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद जो ये दूसरा ऑप्शन है आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, जहाँ पर आपको सेव, अंडू, रीडू, ये तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। एग्जाम में सवाल आपको कई बार पूछा जाता है कि जो बार बार इस्तेमाल में होने वाली कमांड्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, तो वो होती है हमारी क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, जो हमारे एमएस वर्ड के अंदर जो हमारा टाइटल बार है उसके लेफ्ट साइड में होता है। तो जैसे आप इस एरो पर क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन ये एरो है, तो ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस भी ऑप्शन पर आप टिक मार करोगे वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि ओपन का ऐड करोगे, ओपन का ऐड हो जाएगा, ईमेल का करोगे, ईमेल का हो जाएगा। तो सिर्फ जो काम की चीज़ें होती हैं, जो हमें हमारे बार बार इस्तेमाल में आती हैं, हमें केवल उन्हीं चीज़ों को जो है इसके अंदर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बड़ी आसानी से जो है अपने जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसको जो है एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है इसे टाइटल बार कहते हैं। जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो एमएस वर्ड के अंदर, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जब भी एमएस वर्ड को हम ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में जो पहली फाइल होती है उसका डिफ़ॉल्ट में नाम क्या होता है, तो उसका डिफ़ॉल्ट में नाम होता है Document 1। ठीक है, तो Document 1 जो है डिफ़ॉल्ट में नाम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल का। और जब भी आप कोई नई फाइल ओपन करते हो तो कोई भी फाइल आप ओपन करोगे तो उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा टाइटल बार में। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको तीन ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, ये आपका मिनिमाइज और ये होता है आपका क्लोज का बटन, जिससे आप अपने जो स्क्रीन है उसको परमानेंटली जो है बंद कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी पट्टी है टाइटल बार के नीचे, ये वाली जो पट्टी जिस पर आपका होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सब ऑप्शन होते हैं, ये जो पूरी पट्टी होती है, ठीक है, ये जो पट्टी है ये आपकी जो है मेन्यू बार कहलाती है, क्योंकि इसमें आपके मेन्यू के मेन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका मेन्यू बार है, और मेन्यू बार के जो नीचे जो अगला बार होता है, ये पूरा का पूरा जो बार है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका रिबन बार कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सारी कमांड होती हैं, और ये जो कमांड होती हैं ये अलग अलग जो ग्रुप के अंदर होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, फॉन्ट के ग्रुप यहाँ से यहाँ तक है, पैराग्राफ ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक है, और इसके अंदर बहुत सारे जो क्या हैं, ये कमांड हैं। ठीक है, और ये कमांड क्या है, ये ग्रुप्स के अंदर है, और इन ग्रुप्स को हम जो है ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक बॉक्स होता है उसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब यहाँ पर इस ये जो आपका ब्लॉक है इसके जब नीचे की तरफ कॉर्नर में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिपबोर्ड, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस ऑप्शन के जो है एडवांस ऑप्शन खुल जाएंगे, इन ऑप्शंस के एडवांस जो ऑप्शन होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें भी आप यहाँ से जो है ओपन कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दिए गए अन्य ऑप्शन की, जैसे कि आपका जो रिबन बार है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहें तो इसे हाइड भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे जो आपका मेन्यू बार है इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से,
और मिनिमाइज द रिबन बार। अब आप देखोगे सिर्फ आपको आपका जो एमएस वर्ड है डॉक्यूमेंट उसका केवल मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मेन्यू आपको दिखाई देगी, आपका रिबन बार हाइड हो गया है। ठीक है, तो मिनिमाइज द रिबन बार, इसको अनटिक करेंगे तो आपका वापस से जो रिबन बार है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, ये आपका हेल्प का ऑप्शन है और F1 शॉर्टकट की से भी आप इसे ओपन कर सकते हो। अगर आपको एमएस वर्ड में कुछ समझ में नहीं आता है तो इस पर क्लिक करके आप जो है एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे सीखना है, जैसे कि मेल मर्ज के बारे में आपको कुछ सीखना है। ठीक है, पेज नंबर कैसे आप ऐड करेंगे, जैसे कि आपका पेज है और हर एक पेज पर पेज नंबर कैसे आएगा, तो वो सब आप कैसे सर्च कर सकते हो, कैसे लगा सकते हो, यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करके आप इनका यूज कर सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका जो है पूरा पेज होता है। ठीक है, और पेज जब हम इसको डिलीट कर देते हैं, जब जो ये खाली स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं, इसे हम वाइट स्पेस भी कहते हैं, इसे हम वाइट स्पेस भी कहते हैं, वाइट स्पेस। ठीक है, इसे वाइट स्पेस भी कहते हैं, या फिर वर्किंग एरिया भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर एक और पट्टी होती है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, वो होती है आपकी यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करोगे व्यू रूलर। ठीक है, इस व्यू रूलर पर क्लिक करोगे तो ये आपको पट्टी दिखाई देगी, ये आपकी मार्जिन बताती है कि जो आपका पेज होगा उसमें आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, मतलब आप यहाँ तक जो है लिखेंगे, ये आपके कर्सर की लोकेशन को बताता है। और ये जो मार्जिन है इस पर आप जो है अपने माउस को ले जा करके इस तरह से जो है घटाया बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो अब हमारा जो लिखने का जो कर्सर है वो स्टार्टिंग में से हो यहाँ से होगा, पहले यहाँ से था लेकिन अब यहाँ से होगा, यानी कि अब हम ज़्यादा टेक्स्ट जो इस पेज के अंदर लिख पाएंगे, तो इस तरह से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों तरफ से मार्जिन को हम जो है घटाया बढ़ा भी सकते हैं। और ये जो आपका रूलर बार होता है जो कि मार्जिन बताता है, ये टॉप बार में होता है और आपके जो लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि टॉप बार में और लेफ्ट साइड में आपका रूलर बार होता है। इसके अलावा जो ये दूसरा बार है, ये इसे हम कहते हैं स्क्रॉल बार, ये आपके पेज को स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ ले जाने में यूज़ होता है। और ये जो स्क्रॉल बार होता है ये आपके लेफ्ट साइड में और बॉटम साइड में भी होता है। बॉटम साइड में आपको अभी दिखाई नहीं देगा, ये तब दिखाई देता है जब हम हमारे पेज को जो है बहुत ज़्यादा जूम करते हैं। ठीक है, अब हम जूम के ऑप्शन पर आ जाते हैं, तो ये जो है ये आपका क्या है, जूमिंग स्केल होता है। ठीक है, सिंपल प्लस के निशान पर क्लिक करते जाओ और अब आप देखोगे ये नीचे की तरफ भी एक बार आ गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपकी राइट साइड में बार थी, इसी तरह से अब बॉटम में भी आपको एक बार देखने को मिलेगी। ये तब काम करते हैं जब आप अपने पेज को ज़्यादा जूम करते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका बड़ा होता है। ठीक है, तो जो आपका जो स्क्रॉलिंग बार है ये आपके राइट साइड में और बॉटम में होता है, और जो रूलर बार है वो टॉप बार में और लेफ्ट साइड में होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक सवाल और पूछा जाता है कि एमएस वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं और कम से कम कितना जूम कर सकते हैं, तो कम से कम हम इसको 10% जूम कर सकते हैं और अधिकतम इसे 500% तक जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 10 से लेकर के 500 तक हम इसको जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके व्यू के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या है, ये आपका फुल व्यू है, यानी कि आपका जो पूरा पेज है, ठीक है, पूरा का पूरा एक एक पेज आपको यहाँ पे दिखाई, हालांकि एक ही पेज है स्क्रीन 1 of 1, यानी कि एक एक पेज आपका पूरा यहाँ पे जो है दिखाई देगा। क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ये जो तीसरा व्यू है यह आपका कौन सा, ये आपका इंटरनेट वेब लेआउट व्यू, यानी कि अगर आप वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, आपके पास कोई भी वेबसाइट जिस पर आप काम कर रहे हो, तो वेबसाइट के लिए जो कंटेंट लिख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पर वो कैसा दिखाई देगा, तो वो यहाँ पर वेब लेआउट में जा करके आप लिख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कंटेंट जो है वेबसाइट में कैसा दिखाई देगा। हम सिंपल जो लेआउट है, यानी कि जिसे हम प्रिंट लेआउट कहते हैं, उसी में आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं इस जो है राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में यहाँ पर आपको दिखेगा पेज नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेज नंबर दिखाई देंगे, पेज 1 of 1, यानी कि हम पहले ही पेज पर हैं, एक ही पेज है इसके अंदर। उसके बाद ये जो वर्ड्स है, ठीक है, तो वर्ड्स में आप देखोगे लिखा हुआ 4 वर्ड्स, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल एक जो है पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक एंटर बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है,
तो अब मैं इसको जो है थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे, मैंने इसका जो है इसको 100% ही कर लेते हैं, और अब देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसके जो टेक्स्ट का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के रखा है, इसलिए आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं इसको जो नॉर्मल कर लेता हूँ, तो अब आपको सही से दिखेगा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप जो है सिंपल जो मैंने कोड लिखा था अभी उसके माध्यम से ले सकते हो। तो अब आप देखोगे वर्ड्स कितने, 185, यानी कि 185 वर्ड्स हैं यहाँ से यहाँ तक आपके पेज के अंदर कितने वर्ड्स हैं वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो ट्रे है ये ओपन हो जाती है, और यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिलती है। पेज कितने हैं, एक है। वर्ड कितने, 185 है। कैरेक्टर नो स्पेस, यानी कि बिना स्पेस के जो कैरेक्टर हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो यानी कि कैरेक्टर इनके 1 2, ऑन के अंदर 2 है, दी के अंदर 3 है, इंसर्ट के अंदर 3 है, यानी कि कुल कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1, ठीक है, 898, ठीक है, 185 वर्ड्स में 898 आपके कैरेक्टर बिना स्पेस के, स्पेस काउंट नहीं किया गया। और अगर हम स्पेस को भी काउंट करें तो 1080 होते हैं। पैराग्राफ कितने हैं, 3 हैं, आप देख सकते हो, 1 2 और 3, 3 पैराग्राफ। लाइन कितनी है, 13 लाइनों के अंदर ये तीनों पैराग्राफ आ चुके हैं। तो सारी डिटेल आप देख सकते हो इस वर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे की तरफ ये जो बार है ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका कहलाता है स्टेटस बार, जिससे आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट की जानकारी मिलती है कि आप इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो, आपके अंदर पेज के अंदर वर्ड्स कितने हैं, आप किस पेज पर हो। तो ये आपका क्या कहलाती है, आपका स्टेटस बार कहलाता है। इसके अलावा आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि आपका जो एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो ये जो ब्लिंक होती हुई ये जो चीज़ है ये क्या है, ये जो ब्लिंक हो रहा है इसे हम कर्सर कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, जो हमारे माउस या की जो लोकेशन है उसको बताता है कि हम कहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा कर्सर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे माउस की कर्सर की लोकेशन को बताता है कि हम कहाँ पर लिखने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक से ऑप्शन थे जो कि आपकी एमएस वर्ड की स्क्रीन लेआउट से संबंधित थे, जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।